हेलो गाइस, कैसा रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा रहा, बहुत ठंड है। देखा क्या बात है, कहाँ से आप लोग? लखनऊ से। हम लोग अकेले आए थे, झूठे ऊपर भैया। हेलो 8707 ना? यस, क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो आप? लखनऊ से। ऑडिशन दे दिया? हाँ। जीते गए? पता नहीं। और हमारे साथ लोग रात में इस समय जो बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं वो हम लोग देख रहे हैं और काफी अच्छी लग रही है इस समय रात में लाइट में। तो दोस्तों, अभी जो है हम और हमारे साथ में है इस समय हमारे त्यागी सर, जो कि यहाँ के कन्नौज के एसडीएम हैं, और वो इस समय बच्चों की जो बनाई गई कलाकृति है जो कन्नौज के एक महोत्सव को लेकर बनाई गई है उसको बहुत अच्छे से इस समय लाइट में जो रोशनी पड़ रही है उसमें बहुत अच्छी लग रही है, इस वजह से उसको देख रहे हैं, उसमें फोटोज वगैरह ले रहे हैं उसकी। और बच्चों की जो तारीफ की जा रही है ना इस समय वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि बच्चों ने जो मेहनत की है पहला महोत्सव यहाँ पर इतने लंबे समय बाद, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आज कन्नौज महोत्सव का समापन हुआ है, बहुत सुंदर 8 दिन का कार्यक्रम रहा, इसमें बहुत सारे कार्यक्रमों को जोड़ा गया, बहुत सुंदर सुंदर गीत संगीत नृत्य के कार्यक्रम रहे। आज देखिए यहाँ पे रंगोली बनाई गई है कन्नौज महोत्सव से संबंधित विभिन्न विद्यालयों के कॉलेजों के बच्चों के छात्र छात्राओं के द्वारा, और इतनी क्रिएटिविटी, उनकी रचनात्मक कला का दर्शन होता है यहाँ से, तो ये देखने योग्य है। आज कन्नौज महोत्सव के मेले का अंतिम दिन है तो ऐसा लग रहा है कि भीड़ बहुत है, आज भी जो लगभग 10:30 बज रहे हैं, 11 बज चुके हैं, तो देखिए इतनी भीड़ है और लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और दुकानें भी खूब चल रही हैं, झूले अभी भी खूब चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में एसडीएम सर अंतिम दिन घूम रहे हैं मेले में और देख रहे हैं, क्योंकि कल ये मेला नहीं रहेगा, और बहुत ही बढ़िया नज़ारा इस समय देख रहे हैं ये सब हमारे लोग बैठे हुए इस समय यहाँ पर। ये रहे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से पूरा स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार इतना बड़ा स्टॉल लगा, नेक्स्ट टाइम और डबल लगे यहाँ पर। तो दोस्तों, इस समय रात हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया नजारा आ रहा है यहाँ पर, और सब लोग अपनी पैकिंग शुरू कर चुके हैं। जो साथ में जाओ, चलो सही रहा। ये इवेंट बहुत सक्सेस हुआ है कन्नौज के लिए, आगे अगर होता रहे तो बहुत अच्छी बात है। जिलाधिकारी द्वारा 26 नवंबर 2023 अगले कन्नौज महोत्सव के लिए डेट घोषित की गई है, एक तरह से एक वर्ष पश्चात जो तिथि नियत की गई है उन्हें एक साल के बाद उन्हें कन्नौज महोत्सव का आयोजन होगा, क्योंकि उसी तरह से गीत संगीत कला के कार्यक्रम आयोजित होंगे, उसी तरह से स्टॉल झूले दुकानें और उसी तरह की चहल पहल एक गतिविधि रहेगी, और जो कुछ कमियां अभी रह गई हो वो और भी अच्छे ढंग से उनको पूरा करेंगे। इस समय हमारे जो त्यागी सर हैं आज वो टाइम से थोड़ा सा हमारे साथ पार्टी भी हो रही है इस समय।
दोस्तों हमारा पार्टी हो चुका है और अब हम और हमारे जो सर हैं वो इस समय राउंड ले रहे हैं पूरे यहाँ के कन्नौज महोत्सव के ग्राउंड का, लोगों से हालचाल ले रहे हैं क्योंकि कल ये महोत्सव यहाँ पर नहीं होगा। और आप लोग भी एंजॉय करिए, नेक्स्ट महोत्सव के लिए तैयारी कर लीजिए। कर रहे हैं बोर्डिंग ग्राउंड में। आइए हाँ जी ठीक है। आप लोगों की शॉप देखने नहीं आ पाए, लेकिन आप लोगों की शॉप ठीक हुई ठीक। वहाँ से जैसे आप यहाँ आ गए आकर के आपको फायदा ही हुआ होगा, क्योंकि हम भीड़ आई ना तो यहाँ पे प्रोग्राम होते रहे, तो उस आप लोग को और अधिक दुकान ले आते तभी आपको फायदा है। कितनी दुकान लाए थे आप लोग? बस नौ दुकान। हमने तो आपसे कहा था कि आधी ले आओ या आप सारी ले आओ, तो शुरू में आपको 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 भी आइडिया नहीं था कि पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय पूरी अभी जो कुछ दुकानें खुली हुई हैं कुछ बंद भी हो चुकी हैं। आज पर जो सर हैं लगातार घूम ही रहे हैं अभी, तो आज हमारे सर पूरा मूड बना के हैं। आज ताज में पूरा जो पंडाल है वो सारा और अपनी टीम के साथ पूरा घूमेंगे और मस्त मजे करेंगे आज, क्योंकि आज पूरा कोई प्रेशर नहीं है, खत्म हो गया आज। कन्नौज महोत्सव का ये लास्ट दिन था, ये अंतिम रात्रि थी कन्नौज महोत्सव की, तो अलविदा कहते हैं और फिर अगले वर्ष पुनः कन्नौज महोत्सव का अच्छे से आयोजन होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ अलविदा, बाय।